बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां पूर्व मंत्री अजय सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इनेलो बीजेपी और पूर्व सीएम हुड्डा पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने रेवाड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इनेलो बीजेपी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने जाट आंदोलन प्रकरण में यशपाल मलिक द्वारा दिए गए बयान की भी निंदा की। कप्तान अजय सिंह यादव ने कहा, यशपाल मलिक कहते हैं कि जो जाट आंदोलन का समर्थन नहीं करते उसका बहिष्कार किया जाए, वो गलत है। उनकी इस धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि यशपाल मलिक हरियाणा का माहौल खराब करने के लिए आया है, क्योंकि प्रदेश के और जाट नेता आंदोलन से अलग हैं। मेन तो मुद्दा यही था, जैसे कानून व्यवस्था जो है हमारे शहर की बहुत बिगड़ चुकी है, रोज जो है लूटपाट हो रही है, लोगों के कत्ल किए जा रहे हैं, और एक SOL का मुद्दा था जिसके ऊपर मैं समझता हूँ राजीव लोंगे वाला समझौता का जो अपोज कर लोक दल ने अपनी सोच को दिखा दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो राजीव लोंगे वाले समझौतों को आधार मानकर हमारे हक में फैसला दिया था, और इंदिरा जी ने जो है शहादत दी इस देश के लिए। और अगर कोई व्यक्ति इस नहर के बनने में विलम्ब करने में अगर कोई है तो वो लोकदल, जिनकी जिन्होंने जल युद्ध के नाम से जो है ये चलाकर और अब जो है ये ड्रामा कर रहे हैं अकालियों से मिलके ताकि प्रदेश का माहौल खराब हो जाए। और दूसरा जो आरक्षण की बात है, जो धमकी दी है यशपाल मलिक ने कि जो नेता और दुकानदार हमारी हमारा साथ नहीं देते उनका बहिष्कार किया जाए, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। समझता हूँ कि जहाँ तक राजनेता हैं उनको, अब जैसे ये हवा सिंह सांगवान हैं, खाप हैं, वो सब इनके साथ नहीं है, क्योंकि वो हरियाणा की मिट्टी के लोग हैं, उनको मालूम है कि यहाँ का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। यशपाल मलिक उत्तर प्रदेश से आया, वो चाहता है कि यहाँ माहौल ख़राब हो, तो उसकी क्या सोच है वो जानता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की धमकी नहीं देनी चाहिए उनको, कोई उनकी धमकी से डरने वाला नहीं है, ना तो दुकानदार डरने वाले, ना हम डरने वाले उनकी धमकी से। बहरहाल पूर्व मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए भड़ास निकाली और विरोधियों को जमकर आड़े हाथों लिया। रेवाड़ी से अजय अत्री की रिपोर्ट।